हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लुई 3 इन यूके। एंड गाइस, आज हम आए हैं विंटर लंडन लैंड घूमने। सो गाइज, यहाँ विंटर वंडरलैंड एवरी ईयर लगता है विंटर्स में हाइड पार्क लंदन में। तो इस बार हम आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। लास्ट ईयर भी आए थे, बट हम दिसंबर में आए थे तो काफ़ी कोल्ड हो जाता है उस टाइम वेदर। तो इस बार हमने प्लान किया कि क्यों ना नवंबर में ही जाया जाए। तो आज हम बस विंटर वंडरलैंड घूमेंगे यहाँ पे एंड एंजॉय करेंगे। और ये एवरी ईयर लगता है यहाँ पे। एंड जैसे देख रहे हो आप, कितने लीव्स गिरे हुए हैं। ऑटम सीजन यहाँ बस एंड होने वाला है, तो आप देख सकते हैं व्यूज। एंड ये पार्क काफ़ी बड़ा है। सो गाइज, यहाँ पे एंट्री के लिए, विंटर वंडरलैंड की एंट्री के लिए 4 गेट्स हैं, ब्लू, रेड, गोल्डन एंड ग्रीन। तो लास्ट ईयर हम गए थे ब्लू गेट से। एंड डिफरेंट अट्रैक्शन जो आपको कवर करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हैं। तो इस बार हमने प्लान किया है कि हम रेड गेट से एंट्री लेंगे। एंड ये काफ़ी बड़ा होता है, तो इसके 4 गेट्स दिए हुए हैं एंट्री के लिए। तो अब की बार प्लान किया है रेड गेट से एंट्री लेते हैं हम। बस अभी हम जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आप ऑफ पीक टाइम्स में आ रहे हैं तो आपकी कोई एंट्री टिकट नहीं लगेगी। बट यस, अगर पीक आवर्स में आ रहे हैं तो आपको पर हेड 5 pounds पे करना पड़ता है। तो यही टिकट के प्राइसेस हैं। और अंदर आप जो भी अट्रैक्शन राइड्स वगैरह लेंगे उसका आप अलग प्राइस पे करेंगे। तो आज वेदर भी काफ़ी नाइस है। अब देखते हैं अंदर जाके हम कितना इन्जॉय करेंगे। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में एंड हम साथ साथ आप लोगों को भी विंटर वंडरलैंड घुमाते हैं। सो गाइस, बस अब हम एंट्री करने वाले हैं रेड गेट से। एंड यहाँ से घुसते ही ऐसा लग रहा है क्रिसमस वाली फीलिंग आ गई है। काफी एक्साइटेड है। तो पहले कहाँ चले? पहले आई थिंक आरवी को दिखाना पड़ेगा। ये यहाँ पे आए, मैंने देखा एक सेंटर लैंड है, आई थिंक वहाँ पे ये एंजॉय करेगी। सेंटर लैंड चलते हैं। चलो सर, उस पे उस साइड है। आरवी, यू वांट टू गो सेंटर लैंड? लिली, आई फाउंड आउट व्हाट इट इज। तो आरवी ने डिसाइड किया है कि आरवी जाएगी सबसे पहले सेंट्रल ट्रेन में राइड करने। तो बस अभी वहीं जा रहे हैं हम। आरवी बैठ गई अपनी फेवरेट राइड में जाके। ये सामने राइट देख रहे हैं, इसमें जाना चाहोगे आप? बड़ी बात हो रही है। बहुत स्कैरी है और पूरा स्पिन हो रहा है, देख रहे हो आप 360 डिग्री। यहाँ पे इतना कुछ है ना करने के लिए, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ क्या करना है क्या नहीं। सामने ये आइस माउंटेन भी है, पता नहीं इसमें आरवी के साथ जा पाएंगे कि नहीं, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आरवी डर जाएगी। आरवी अपनी मस्ती में है।
सो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स हैं बैठने के लिए, एंड आरवी एंड मैंने तो इन्जॉय भी कर लिए एक दो राइड्स, बट अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम तीनों एक साथ जा सके किसी राइड में, बट हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है अभी यहाँ पे। या मैं चाहती हूँ कि एक साथ हम एक बार तीनों जाएं। या तो बहुत ही खतरनाक राइड्स ऐसी राइड है जिसमें मतलब या नहीं, हाँ उसमें तो फिर आरवी के साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकते। आप जा सकते हो वैसे अकेले, कुछ तो ट्राई करो एक बार जाके, है ना। डिसाइड किया है कि हम ये गेम खेलने जा रहे हैं। आरवी which teddy you want, which one? White. What? Come on. Are we want white teddy? Something sweet for you. Yay. Which teddy nahi milega? Fir kya milega? You have to shoot one soft toy na, one. Usme likha hai. Oh, you missed. Papa ko cheer up karo. Yes, papa, you can do it. Come on. पापा व्हाट इज दिस, तो हमें हमने एक प्राइस विन किया है। वो गिरा नहीं। तो गाइस हम ये गेम प्ले करने जाते जा रहे हैं, इसमें आपको बलून पॉप करने। ओके स्टार्ट। वेरी गुड, नाइस। One more. Five. आरवी को मिल गया है पेंगुइन। पेंगुइन है, चिक है आई थिंक। सो गाइज हम प्लान कर रहे हैं कि टाइम मशीन में जाएं। तो Yes, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा रहा? स्कैरी है, एज पे आते हैं तो ऐसा लगता है आप नीचे गिरोगे। ओह माय गॉड, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। अरे कुछ भी नहीं है बस। सच में आप जाके ट्राई करो, खुद फील लो। ये तो नॉर्मल हाइट है, इसमें कौन नहीं, एक्चुअली पूरा स्पिन होता है ऊपर जाके और बिल्कुल एज पे आता है ना, तो इट्स लाइक कि आप बस नीचे गिरने वाले हो। चलो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है कि ये इसमें जाएंगे। आई थिंक ये कुछ वीआर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कुछ, तो लेट्स सी। ये जा रहे हैं अकेले, एंड आरवी एंड मम्मा इधर ही यहीं से देखेंगे। ओके आरवी, क्योंकि इसमें किड्स अलाउड नहीं है तो ये देख के आते हैं। हाँ यार, वीआर एक्सपीरियंस के लिए ही, तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। जा रहे हैं, बाय बाय। काफी अच्छा वीआर एक्सपीरियंस था वैसे। तो गाइस काफ़ी हमने राइड्स वगैरह एंजॉय कर लिए हैं, एंड जो ये वीआर एक्सपीरियंस था इसमें तो पैसा वसूल हो गया हमारा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था अंदर। तो अब बस कुछ खाते पीते हैं, भूख लग गई है, फिर नेक्स्ट प्लान करते हैं क्या करना है। आरवी आर यू हंग्री? यस, व्हाट इज दिस? तो ये आ गए हैं हमारे चूरोस, एंड ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। आरवी अभी हॉट होंगे, वेट। आरवी हाउ इज द टेस्ट? टेस्टी। ओके
आप भी ट्राई करके देखो कैसे लग रहे हैं। जलेबी क्या दिला देते हैं यार, राइट है ना, लास्ट टाइम हमने खाए थे जलेबी लगते हैं। तो आप क्या स्पेशल लेके आए हो? फ्राइज आर वी मैंने डिसाइड कर लिया है तो मैं अकेले जा रही हूँ एंड काफी लॉन्ग क्यू है यहाँ पे। वहाँ पे खड़ी हुई है आरवी पापा के साथ। सो गाइस अकेले आके बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे, पूरा क्लोज्ड कैबिन है एक, देखते हैं अभी मजा आएगा। अभी जा रहा है ऊपर, मैं काफी टॉप हाइट पे पहुंच गई हूँ एंड व्यू सारा कैप्चर हो रहा है यहाँ से। जितना नीचे से देखने में डर लग रहा था उतना ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे मजा आ रहा है, बहुत इजी सा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा स्कैरी। सारा व्यू कैप्चर हो रहा है, काफी हाइट पे है। यहाँ पे सर्कस भी है इसके अंदर, बट हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर्कस देखने में, क्योंकि आरवी को देखना था बट आरवी सो गई है, तो अब हम जा नहीं रहे हैं अंदर, तो बस निकल रहे हैं अब हम यहाँ से। काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया इस बार हमने। सो गाइस बस अब हम निकल गए हैं और अब बस घर के लिए निकलते हैं। इस बार हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी सारी राइड्स भी ट्राई करी एंड बेस्ट टाइम है वीकडेज में आने का, क्योंकि तो बहुत रश हो जाता है। या लास्ट टाइम जब हम आए थे बहुत ही रश था उस दिन, तो अब की बार हमने काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया है। तो ये एवरी लास्ट वीक ऑफ नवंबर में यहाँ पे आई थिंक स्टार्ट होता है एंड जनवरी फर्स्ट वीक में तक रहता है ये विंटर वंडरलैंड। तो काफ़ी अच्छी प्लेस है इंजॉयमेंट के लिए एंड एंटरटेनमेंट के लिए। तो गाइज अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो आपने भी इंजॉय की हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।